Welcome to Borail News. Charge sheet against North Kachar Hills Autonomous Council CM Debolal Gorlosa. The Guwahati High Court disposed of the killing case of Congress leaders, former North Kachar Hills Autonomous Council's Chief Executive Member, late Purnendu Langtasa, and Executive Member, late Nindu Langtasa, on 4 June 2007. And ordered for trial in lower court against the present North Kachar Hills Autonomous Council CM Debolal Gorlosa and five other persons and were charge sheeted in connection with the case. Gorlosa was leaders of now surrendered militant group Dimahalam Dauga DHD Jewel Faction J. The startling case of Gorlosa's involvement in the killing of two the leaders came to the light after a former DHDJ militant Miput Rajyong alias Action Dimasa alias David Kemprai confessed in the court of the district and session judge that Gorlosa had paid Rs 50 lakh to the DHDJ on April 27, 2007 for purchase of arms by the rebel outfit. Action Dimasa is the former rebel leader of the outfit who hails from Myungpur village, 14 km under Umrangso police station of the Hill district. His statement was recorded in the court of the district and sessions judge in connection with the case number 188 on July 27, 2018. The former militant leader who gave the statement in connection with case number 188 also confessed that Gorlosa was directly involved in the killing of the two Congress leaders, which took place on June 4, 2007. The state government submitted an affidavit with prosecution section on 121 and 121A IPC, which was prejudiced in the court between Daniel Langtasa, son of late Nindu Langtasa, versus the state government. Another case in killing of APBN Constable Habibur Rahman will be heard on 4th August, the hearing of which is expected on same day. Juthai, namaste. Main Daniel Langtasa, Haflong ka MSC. और 2007 में 4 जून में जो हादसा हुआ था जहां मेरा पिताजी निंदू लंगटासा और उसके साथ में लेट पुर्नेंदु लंगटासा जो लोग का मर्डर हुआ था हत्या हुआ था तो उस टाइम में ये इंसिडेंट होने के बाद में जो लोग पीएसओ थे वहां में वो लोग ने एफआईआर दर्ज किया था अबाउट द इंसिडेंट और दिहांगी पुलिस स्टेशन में वो केस भी उठा था लेकिन 2007 से लेके अभी तक 2020 तक वो इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ा वैसे हम लोग उनको कुछ जानकारी नहीं था और आगे बढ़ा तो कैसा बढ़ा क्या हुआ इन शॉर्ट मतलब हम लोग को जस्टिस नहीं मिला तो इसलिए मैंने गुवाहाटी हाई कोर्ट को रिट पिटिशन मतलब वहाँ में डाला और रिक्वेस्ट किया कि ये जो केस है उसको मतलब हायर अथॉरिटी सीबीआई को हैंडओवर करने से अच्छा होगा क्योंकि ऐसा होने से शायद जस्टिस हम लोग को जल्दी मिलेगा क्योंकि 13 साल से हम लोग को नहीं मिला तो गुवाहाटी हाई कोर्ट ने भी ये रिट पिटिशन को उठाया और उसके बाद में हम लोग को थ्रू दिस हम लोग को मालूम हुआ कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँचा है तो हाईकोर्ट ने भी गवर्नमेंट ऑफ आसाम को और थ्रू डिमाहासाओ पुलिस जवाब मांगा कि ये इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ तो डिमाहासाओ पुलिस ने एफिडेविट दिया और वहाँ में डिटेल्स में लिखा कि इन्वेस्टिगेशन कैसा हुआ क्या फैक्ट्स निकला है और थ्रू दिस एफिडेविट फॉर द फर्स्ट टाइम ये 13 ईयर्स में हम लोग को भी मालूम हुआ एज ए विक्टिम फैमिली हम लोग को भी मालूम हुआ कि एक्चुअली क्या हुआ और इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँचा है तो कल गुवाहाटी हाई कोर्ट ने दैट इज 25th of June ये ऑर्डर दिया है और ये केस अभी डिस्पोज हो गया है और वहाँ में ऑर्डर दिया है कि असम गवर्नमेंट को मतलब सेंक्शन ऑर्डर जो रुका हुआ था अल्टीमेटली असम गवर्नमेंट ने सेंक्शन ऑर्डर दे दिया है और ये चार्जशीट भी फाइल हो गया है तो चार्जशीट अभी फाइल हो गया अगेंस्ट 6 accused इन द केस और डिमाहासाओ को CGM कोर्ट जो है उधर में मतलब अभी चार्जशीट फाइल हो गया है और अभी ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा तो सबसे पहले तो मैं गुवाहाटी हाई कोर्ट को थैंक करता हूँ ये ऑर्डर देने के लिए लेकिन हाँ मैं एक्चुअली एक्सपेक्टेशन तो था कि मतलब ये CBI तक जाने के लिए क्यों बोलने से
मैं दुआ करता था कि मतलब अच्छा से इन्वेस्टिगेशन हो एंड फेयर एंड जस्ट ट्रायल हो, क्योंकि कभी कभी हम लोगों को सिस्टम भी, हम लोगों ने इतना मतलब अपना सिस्टम में भी विश्वास उठ गया है कि मतलब हम लोग सोचता है कि ये लोकली, अगर ये लोकल लेवल में अगर केस उठेगा तो शायद मतलब पावरफुल लोग मतलब केस को मतलब गुमराह कर सकता है बोल के ये। लेकिन ये मेरा डर नहीं है, ये बहुत लोग का डर है जिसको जस्टिस नहीं मिला है। हम लोग को डिस्ट्रिक्ट में अभी भी बहुत लोग हैं जिसको जस्टिस नहीं मिला है। ये मृत्युंजय प्रबंतो उसको मतलब 2018 में मृत्युंजय प्रबंतो को जो हत्या हुआ था आसाम पुलिस के हाथों, वो लोग को आज तक जस्टिस नहीं मिला है। संतोष होजाय को कल परसों मतलब उसको किडनैप करके मार दिया हारंगा जब से, उसको जस्टिस नहीं मिला है। हालांकि उसको मतलब सीआईडी में तो जल्द से जल्द मतलब आसाम गवर्नमेंट ने ये केस को दे दिया है, वो अच्छा बात है, लेकिन देखता है क्या होगा। लेकिन सीआईडी को दिया इससे थोड़ा दिल थोड़ा बड़ा होता है कि सीआईडी अच्छा से इन्वेस्टिगेशन करेगा बोल के। लेकिन बाकी केसेस ऐसा बहुत सारा रह गया है, और खुद मतलब रॉकी लंगठा सा पूर्णेंदु भाई उसको जस्टिस नहीं मिला, ठोमा मार को नहीं मिला है, लियंजल टूलर को नहीं मिला है, और ऐसा करके बहुत सारा लोग है जिसको मतलब अभी तक जस्टिस नहीं मिला है। बहुत सारा भाई बहन माँ पिताजी, हम तो अपना को लकी मानता है कि हम आज के दिन में जस्टिस के लिए फाइट करने सका बोल के, लेकिन बहुत सारा डिमाहासाओं में है जो ऐसा नहीं सकता है फाइट करने के लिए। तो वो लोग को भी हम मैसेज देना चाहता है कि ये सिर्फ मतलब एज अ सन अपना पिताजी के लिए जस्टिस ये बात नहीं है, और अपना फैमिली विक्टिम फैमिली के लिए जस्टिस के लिए हम नहीं मांग रहे हैं। हम जस्टिस के लिए फाइट करा क्योंकि आज हम एक पब्लिक लीडर भी है, एज एन एमएससी एज ए पब्लिक लीडर मेरा ड्यूटी है कि मतलब सोसाइटी में जस्टिस होने के लिए, क्योंकि मतलब हम लोग लॉ मेकर है ना। तो हम भी एक सवाल उठाया जब लास्ट ईयर हमको पब्लिक ने चूज करके एमएससी बनाया, लीडर बनाया पब्लिक लीडर। लेकिन मेरा सवाल में भी, मेरा दिमाग में भी एक सवाल उठा कि हम लोगों को कैसे बोलेगा कि आपको जस्टिस चाहिए, आपको दे सकेगा, जब हम खुद अपना पिताजी को अगर हम जस्टिस दे नहीं सका। तो ये एक फाइट है सो दैट मतलब आदमी को भरोसा रहे कि ये जस्टिस सिस्टम के ऊपर, अगर जस्टिस सिस्टम के ऊपर हम लोग को भरोसा उठ जाएगा तो हम लोग को सोसाइटी मतलब, और सिविल सोसाइटी नहीं रहेगा, हम लोग को जानवर जैसे मतलब जंगल में वाइल्ड एनिमल्स जैसे हो जाएगा, एक दूसरे को सब भी मार सकेगा। बट ओनली इफ देर इज जस्टिस इन दिस लैंड, ओनली इफ देर इज जस्टिस इन दिस सोसाइटी, देन ओनली वी कैन कॉल आर सेल्फ सिविलाइज ह्यूमन बींग्स। तो इसलिए ये जस्टिस के लिए एक फाइट है, और जो लोग भी हम लोग को साथ दिया है आज तक, और जो लोग मॉरल सपोर्ट दे रहा है, हम सबको थैंक्स बोलता है, और ये आशा रखता है कि ये ट्रायल जो स्टार्ट होगा अच्छा से मतलब जस्टिस मिलो और अच्छा से प्रोसीडिंग हो। और ये मैसेज जाना चाहिए कि आप कोई भी बड़ा आदमी हो सकता है, छोटा हो सकता है, अमीर हो सकता है, गरीब हो सकता है, लेकिन इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। अगर कोई क्राइम होता है, अगर कोई जगह में मतलब किसी के साथ इनजस्टिस होता है, वो मतलब हम लोग को जस्टिस सिस्टम, हम लोग को लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम हम लोग को है मतलब हम लोग को बचाने के लिए। ये मैसेज जाना बहुत सारा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हम सब पब्लिक लोग को अपील करेगा कि आप लोग को दिल मत हारो, आप लोग के साथ में भी इनजस्टिस कुछ हुआ अगर किसी के साथ हुआ तो आने वाला दिन में एक एक करके हम लोगों ने ये फाइट करेगा। लेकिन ये मैसेज हम देने मांगता है कि हम भी जो जस्टिस के लिए ये एक टू फाइट किया है, शायद ये सक्सेसफुल होगा, और आप लोग को सबको इसके लिए सपोर्ट चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। जुठाई डिमा हासाओ जी निंदु लांगठा सर पुणेन्दु लांगठा सर मानने आम हत्यार विचार जी इन्भेस्टिगेशन डब्ल्यू बि सी फाइल कर तक अपना स्टेट गवर्नमेंट मैं आसाम गवर्नमेंटर फल कथा जाना जो अलरेडी प्रसिक्यूशन सेंशन कल डेट प्रसिक्यूशन सेंशन आसाम गवर्नमेंटे दी से और आज डेट हाफलंग कोर्ट देवलाल गरसा सह और केंबाजनों एगेन्स्ट सरकार आज चार्जशीट फाइल कर चार्जशीटर नम्बर तो 2/2020 আৰু সেইটো দিহাংগী পি এছ কেছ যিটো হৈছিলে নিন্দু লাংখাচা পুনেন্দু লাংখাচা হত্যা সেই গোচৰটোত চাৰ্জশ্বীট ফাইল হৈছিল।